किस किस तरह के फोबियाज होते हैं। डॉक्टर ने कहा कि उसके सामने जसमीत का फोबिया तो कुछ भी नहीं है। हाँ टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ठीक भी हो जाएगा। भी बता दूँ वर्षा, हमने देखा जसमीत और तुम बिना मतलब की परेशान हो रही थी। दादी बैठी बोली, इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, डर को भी डरा दे। विष्णु जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, है ना जसमीत बेटा। जसमीत बोले, जी ताऊ जी। विष्णु मम्मी जी बोले, चलो फिर गई हो, तुमने देखा गई हो। तुझे क्या लेना देना, कहता लेना देना आया ना फिर क्यों लेना देना है तेरे को, कुछ ही करे पर्सनल लाइफ में, फोन करे तो फोन रोल रोलिंग चलो रेडी रोलिंग रोलिंग चलो रोलिंग। हाँ जी आप फोन की क्या समझे रोलिंग रोलिंग फैंटास्टिक एक्शन। नोटिस नहीं हुआ तो पहले देख ले कि जसप्रीत गई ना। किया दिया दिया रोल रोल एंड एक्शन। बड़ी माँ डॉक्टर ने कहा कि जब तक जसप्रीत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती वो कभी भी ओवर रिएक्ट भी कर सकती है। हाँ जसप्रीत के मन से डर पूरी तरह नहीं जाता। साइलेंस रोल रोलिंग रोलिंग एंड जसप्रीत के मन से डर पूरी तरह नहीं जाता, वो कभी कभी ओवर रिएक्ट भी कर सकती है, खासकर तब जब वो उस मेंटल स्टेट में। इसलिए हमें थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए, बस यही। दादी बोली, कोई भी परेशान नहीं होगा, बस इस बात से खुश रहो कि ये समस्या खत्म हो जाएगी और हम सब मिलकर जसप्रीत को संभाल। बढ़िया टेबल आ रहा है, कौन सा डाइनिंग टेबल रेडी डायलॉग बोले दादी हाँ बेटा आओ यहाँ बैठो मेरे पास आ जाओ। दादी यहाँ से बोली कुछ बात करनी है जसमीन। ठीक है और चल के आना और लेते क्यों छोटो क्या फोकस और। अरे यार रोलिंग एंड एक्शन। आप लोगों ने बुलाया मुझे? दादी बोली हाँ बेटा आओ मेरे पास बैठो आओ यहाँ पे। बोली बेटा जरूरी बात करनी है। जसमीत बोली किस बारे में बेटा? दादी राष्ट्रीय बोली वो जो डर है ना तेरे मन में उसके बारे में। जसमीत बोले आपको कैसे पता कि हम किसी के अच्छे से साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेंगे तुम्हारे। ये भी तय किया किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेंगे तुम्हारे। अंशुमन मैं पागल नहीं हूँ, सिर्फ डर लगता है मुझे। तुम ऐसा नाराज मत हो बेटा, हम भी इसी बात के लेके कह रहे हैं। जसमीत बोली नहीं मैं समझ सकती हूँ आप किस बारे में कह रहे हैं। मैं मुझे डर लगता है प्रेग्नेंट औरत को देख के, तो मैं आपको पोता पोती कैसे दे पाऊँगी ये बोलो ना आप। राशि नहीं बेटा तुम गलत समझ रही हो, हमें पोता पोती की नहीं तुम्हारी फिक्र है। जसमीत बोली जानती हूँ मैं बड़ी माँ, सब पता है मुझे, इसलिए आप लोगों की बातों में मैं नहीं आऊँगी। मैं नहीं जाऊँगी किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास, नहीं जाऊँगी मैं। जसमीत
बेटे, दस की हमें जरूरत नहीं है, आराम करो। तो ये ले लूं थोड़ा सा, इस पे सहारा ले लूं थोड़ा सा, एंड में बस इज अ वेरी थोड़ा शॉप पे टॉपिक की वो हां भाई देखो ना, हां ले पीछे मंदिर के बाद सही है मैडम जी, है ना? ठीक तो हुई नहीं, एक बाइट ले वैसे रख ले, अगर वो बोल देती कि चलो सब ठीक हो चुका है तो उसको बट बोलो जाओ रोलिंग रोलिंग साइलेंट रोलिंग एंड एक्शन जीरा सी एंटी मुस्कान बेटा, क्या बात है, अक्षरा फोन नहीं उठा रही? जी आंटी, वो अक्षरा का एक्सीडेंट हो गया। वो हुआ ये कि दीदी जा रही थी तो वहाँ से ना गुंडे जा रहे थे और उन्होंने चेन छिनी थी, गिर गई, तबीयत ठीक नहीं है, तो चार्ज ले ले। हाँ, कुछ इस तरह से आजकल हो रहा है दैट मेरे को प्रेग्नेंट लेडीज को देखकर बहुत बेचैनी और घबराहट होती है, आई एम नॉट फीलिंग ओके अराउंड देम। तो अभी थोड़ा चल रहा है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मेरी अक्षरा दीदी भी प्रेग्नेंट है और मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे टाइम में मैं उनके पास नहीं जा पा रही और उनके साथ नहीं रह पा रही, क्योंकि उनके आसपास होने से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बेचैन होती हूँ, मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है और आज जब उनकी लाइफ का इतना बड़ा दिन है तो मैं उनके साथ नहीं हूँ, बट आई होप मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। क्या एक्चुअल में आपको ये पता कब चलता है कि ऐसे ऐसे किस्म की बीमारी हो गई है? क्योंकि अक्षरा दीदी के आसपास जाने से ऐसा हुआ और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने भी यही मुझे बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं वो इसी बीमारी के हैं, पर उन्होंने बोला कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तो आप सब भी यही दुआ कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ओके, तो अभी क्यों आप डॉक्टर से मना कर रहे थे? क्योंकि हमारी कंट्री में एक माइंडसेट है कि साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ वही जाते हैं जो पागल होते हैं। मैं भी इसी गलत माइंडसेट के साथ जी रही थी, बट मेरे घर के बड़ों ने मुझे समझाया कि जैसे हमारे को खांसी जुकाम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही और हड्डियों में दर्द होता है तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी तरह से अगर कोई साइकोलॉजिकल हमारे को प्रॉब्लम होती है तो फिर तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हैं, आपका दिमाग ख़राब है, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। तो अभी आप जिस तरीके से जैसे उठ के गई एंड तो उससे तो मेरे को ऐसा कहीं किसी एंगल से नहीं लगता है कि जसमीत समझ गई इस बात को? नहीं समझी है तो समझ जाएगी। ओके, और क्या आप सस्पेंस की कुछ बात कर रहे थे? नहीं, अभी ऐसा तो कोई सस्पेंस मैं खोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक हमारे सीरियल के साथ बंधे रहें, तो न्यूज नेशन वाले जितनी भी कोशिश कर ले वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अभी तो, बट आप हमारा शो देखती रहिए और न्यूज नेशन के साथ बने रहिए तो आपको जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा, एंड न्यूज हेल्पलाइन के साथ भी बने रहिए। थैंक यू। एक्शन।
ये ऑपरेट करेगा तो शॉट भी नहीं मिलेगा। ये रहे ये ऑपरेट करेगा शॉट भी नहीं मिलेगा। टायर निकालना ही पड़ेगा, उसी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो कभी भी शुभ समाचार आ सकता है, तैयारी रखते हैं सब। हाँ छोटी, इसीलिए मैंने भाभी मालूम भी दिस बोलिंग एंड एक्शन। हाँ छोटी, इसीलिए मैंने भाभी माँ से भी कह दिया है कि ये सब काम हम लोग देख लेंगे। वो लोग इतने अच्छे से अक्षरा का ख्याल रख रहे हैं, सारा दिन तो उसी में निकल जाता होगा, फिर ये सब कब करेंगे। मैं भी काकी के घर से लड्डू लाई हूँ, अक्षरा को तो जरूर खाने चाहिए। किसी कैसी कमजोर हो रही है इस बार, वो अभी भी सेहत नहीं संभाली है उसकी, तो बाद में दिक्कत होगी ना बहुत। पीछे चलती हुई है ना, जाओ। ये टेढ़ा क्यों रखा, ये ऐसा क्यों है, किसने ऐसा बहुत थी। वर्षा जी आपकी लाइन से लेना और चेयर के पास जाना। जसमीत थोड़ा बाहर जा, ये राइट में जाना ना। रोल रोले 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 सब ऑफ मून दिन रुको ना सुन लो। और ये तुम ये नहीं कर रही हो, ये बोल रहे हो क्या बोल रही हो, जरूरत नहीं है, ले चलो शब्द मत यूज अभी। रोलिंग जसमीत थोड़ा राइट जाओ, बस रोलिंग रोलिंग थोड़ा राइट में जाना जसमीत, बस रोल रोलिंग कितनी समझदार है हमारी जसमीत।
परेशानी से गुजर रही है, फिर भी कितनी कोशिश कर रही है कि उसकी वजह से हमारी खुशी में किसी तरह की भी कमी ना हो। हाँ। राशि जी को वो क्लोज है ना, जिसने क्या नहीं बात ले लो बोले चलो भाई दुकान के बाहर क्या भाई जी जाएंगे।